जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष आत्मा में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पे और आपको आज मैं राशिफल बताने आई हूँ। तो सबसे पहले हम मेष राशि की बात करेंगे कि मेष राशि वालों आपका समय कैसा जाएगा। तो मेष राशि वालों, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, आपका धन संपत्ति भी बनी रहेगी, परिवार में भी अच्छा रहेगा, सुकून भरा दिन है, प्रेम संबंध अच्छे हैं, व्यवसाय अच्छे हैं, वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा तनाव हो सकता है और वो भी किस लिए, क्योंकि आपकी अपने लव वेट से या अपनी जीवन साथी से किसी बात पे बहस हो सकती है। आपको बस उसी चीज से बचना है मेष राशि वालों, तो आपका टाइम अच्छा रहेगा। चार रंग आपके लिए लकी है, चार नंबर आपके लिए शुभ रहेगा। सफेद या क्रीम रंग आप पहन सकते हैं। आपके लिए ज्यादा अच्छा ये रहेगा दान पुण्य करना, किसी भी चीज को किसी को भी दान कर दो, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे वृषभ राशि, वृषभ वाली आपको राशि वाला आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन संपत्ति भी आपकी बढ़िया रहेगी, परिवार अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे, व्यवसाय और वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा और बढ़िया बना रहेगा। कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आ रही वृषभ राशि वालों। वृषभ राशि वालों आपको करना क्या है, धन संपत्ति थोड़ा सा और अच्छा बना रहे। तीन नंबर आपके लिए शुभ रहेगा और काला रंग आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको करना भी क्या है, यदि किसी गरीब व्यक्ति को आप ऊनी कंबल दान कर सकते हैं तो आप दान करिएगा, इससे आपको अवश्य लाभ होगा। नेक्स्ट नंबर पे जो आती है वो आती है राशि नंबर मिथुन। मिथुन राशि वालों आपका स्वास्थ्य अच्छा और उत्तम रहेगा, लेकिन धन संपत्ति के मामले में आपको दिक्कत आएगी। पैसा आएगा जाएगा, काम होता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा पैसे को लेकर दिक्कत तो है। परिवार में थोड़ा सा तालमेल को बनाने में दिक्कत आ सकती है, एडजस्टमेंट में दिक्कत आएगी, लेकिन आपका पारिवारिक प्रेम संबंध अच्छे हैं, व्यवसाय भी अच्छा है और वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। एक नंबर आपके लिए लकी रहेगा और लाल रंग आपके लिए लकी रहेगा पहनने के लिए। आपको क्या करना है, अगर आपके घर में मछलियां हैं तो उनको चारा खिलाइएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, माँ दुर्गा जी को कुछ भी लाल चीज प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। आजकल लॉकडाउन है तो घर पे ही चढ़ाना है, तो कुछ भी बना लीजिए। नेक्स्ट नंबर पे आती कर्क राशि वालों। कर्क राशि वालों आपका स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। धन संपत्ति के मामले में भी कहूंगी पैसा आएगा जाएगा, काम होता रहेगा, लेकिन पैसे के लिए दिक्कत है। पारिवारिक सुख आपका अच्छा बना हुआ है, प्रेम संबंध जो है आपके थोड़े से डाउन जाएंगे, व्यवसाय आपका अच्छा जाएगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा डाउन जाएगा। कुल मिला के अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अप एंड डाउन के साथ आपका जिंदगी बनी हुई है। पांच नंबर आपके लिए लकी है, मरून कलर आपके लिए शुभ रहेगा और आपको गुड़ जो है यदि आप गैया को खिला सके यानी गाय माता को, तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। उसके बाद कर्क राशि के बाद जो आती है हमारी नेक्स्ट राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि वालों स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहेगा, धन संपत्ति के मामले में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, परिवार भी आपका नॉर्मल ही रहने वाला है, प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे, व्यवसाय आपका अच्छा रहेगा, जीवन भी अच्छा रहेगा। कुल मिला के मिला जुला दिन है। तीन नंबर आपके लिए लकी रहेगा। आपको करना क्या है, इसके साथ में एक तीन नंबर आपके लिए लकी है, लेकिन साथ में आपको हरा या ग्रीन कलर पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। सूर्य गायत्री मंत्र का लाभ जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे कन्या राशि आती है। कन्या राशि वाला आपका स्वास्थ्य अच्छा है, धन संपत्ति भी अच्छी बनी हुई है, परिवार भी आपका अच्छा बना है, प्रेम संबंध भी अच्छे बने हैं, व्यवसाय अच्छा बना है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा बना है। कुल मिला के सारा दिन तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको डिस्टर्बेंस फिर भी होती है तो आपका खुद का क्रिएट किया हुआ खुद का तनाव होगा, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। बस आपको उसी चीज से बचना है। बाकी एक नंबर आपके लिए शुभ रहेगा, लाल रंग आपके लिए शुभ रहेगा। और आपको जो है कन्या राशि वालों क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ओम गंग गौरय नमः का जाप करने से आपको लाभ होगा, या ओम गंग गणपति नमः का जाप करने से भी आपको प्रॉपर रूप से लाभ होगा। नेक्स्ट नंबर पे जो आती है वो आती है तुला राशि। तुला राशि वालों स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। धन संपत्ति के मामले में पैसा आएगा जाएगा, काम होता रहेगा, पारिवारिक जीवन भी आपका खुशनुमा बना रहेगा, कोई दिक्कत ऐसी दिखाई नहीं दे रही है, प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, व्यवसाय को लेकर आपके अंदर थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिख रहा है और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत खटर पटर दिख रही है, बहुत ज्यादा नहीं है, ये तो आप अगर दिमाग में बैठा लोगे तो अभी दिक्कत होगी। चार नंबर आपके लिए अच्छा रहेगा हरा फिरोजी रंग आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हरा फिरोजी रंग जो है हमारे कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करता है और हमारे प्यार मोहब्बत यानी कि आपके आकर्षण को बढ़ाता है, ठीक है। और आपको क्या करना है, यदि आप किसी जा तो सकते नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भगवान देवी स्थल के दर्शन कर सकते तो बहुत अच्छा रहता, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, घर में रह के आप भगवान श्री गणपति महाराज का ध्यान करेंगे तो ये आपको अवश्य लाभ देगा।
नेक्स्ट नंबर पे आता है वृश्चिक राशि वालों। वृश्चिक राशि वालों आपका दिन बढ़िया है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, धन संपत्ति भी अच्छी रहेगी, प्रेम संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे, परिवार भी अच्छा रहेगा, लेकिन व्यवसाय में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। वैवाहिक जीवन भी आपका मधुर बना ही रहेगा। आपको 5 नंबर आपके लिए लकी है, भूरा स्लेटी रंग आपके लिए शुभ रहेगा। आपको करना क्या है, आप यदि भगवान सूर्य के जो बहुत सारे नाम है उनका पाठ कर लें, या आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लें, या सूर्य गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें लाभ मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पे आती है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के बाद जो नेक्स्ट राशि आती है वो आती है धनु राशि। धनु राशि वालों अब आपकी बात करेंगे तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, बढ़िया रहेगा, धन संपत्ति के मामले में पैसा आएगा जाएगा, काम होता रहेगा, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। इसी तरह से परिवार के साथ भी आपका एडजस्टमेंट बना रहेगा, लेकिन प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में खटर पटर है, थोड़ी खटास आ सकती है किसी बात को लेके। व्यवसाय आपका बढ़िया रहने वाला है। आपको क्या है, 2 नंबर आपके लकी है, सफ़ेद रंग आपके लिए लकी रहेगा। आपको माता लक्ष्मी का ध्यान पूजा पाठ करने से लाभ होगा यदि आप उनकी चालीसा कर लें या उनका धूप दीप अगरबत्ती कर लें। नेक्स्ट नंबर पे आती है मकर राशि। मकर राशि वालों शनि से आप हमेशा आपका साथी रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, धन संपत्ति के मामले भी आपके जो हैं बने हुए रहेंगे और पैसा आएगा जाएगा, काम होता रहेगा, लेकिन परिवार में थोड़ा सा तनाव हो सकता है। आपका प्रेम संबंध में भी हल्का फुल्का तनाव है और व्यवसाय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, पर वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा। आपको कौवों को रोटी खिलानी चाहिए, 2 नंबर आपके लिए शुभ है, और थोड़ा सा ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर लें या शनि चालीसा पढ़ लें, इससे भी आपको लाभ होगा। सफ़ेद रंग आपके लिए लकी रहेगा अगर आप पहनते हैं। नेक्स्ट नंबर पे जो आती है मकर राशि वाले के बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों स्वास्थ्य आपका सही रहेगा, धन संपत्ति के मामले में भी लकी दिन है। परिवार के साथ थोड़ा सा खटर पटर हो सकता है पर कोई बात नहीं, कुल मिला के फिर भी आपका दिन अच्छा ही जाने वाला है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी अस्थिरता आ सकती है क्योंकि आपका किसी बात पे मतभेद हो सकता है साथी से, पर वैवाहिक जीवन में आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा और व्यवसाय भी आपका ठीक ठाक ही चलने वाला है। तो कुंभ राशि वालों आपके लिए 9 नंबर लकी रहेगा और आपको हरे कपड़े पहनने चाहिए अगर आपको पहनना हो तो, कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हरा कलर आपके लिए सूट करता है। आपको क्या करना है, शनिदेव भी कुछ जाप कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि वैसे भी शनि आपके मेन गुरु में आते हैं। नेक्स्ट नंबर पे लास्ट आती है मीन राशि। मीन राशि वालों स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है आपका, क्योंकि पीछे कई बार से मैं भी देख रही हूँ कि मीन राशि वालों का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। धन संपत्ति के मामले में आप लकी रहेंगे, पैसा आएगा जाएगा, काम होते रहेंगे, लेकिन परिवार में थोड़ा सा तालमेल में दिक्कत आ सकती है, पर प्रेम संबंध आपके अच्छे हैं, वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा है और व्यवसाय भी आपका कुल मिला के ठीक ठाक चलने वाला है। आपको 7 नंबर आपके लिए लकी रहेगा, सफ़ेद क्रीम रंग भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों गुरु आपके लिए बहुत अच्छे हैं तो अगर आप पीले रंग के जो है माथे पे तिलक लगाएं या केसर का तिलक लगाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। ये था 12 राशियों का फल आपके लिए। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और हाँ एक और बात, बेल आइकन दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।